हमारी मांगे पूरी करो। PMGSY हाय हाय। 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 अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर और मैं आपका मेज़बान शान शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है जलनगाम में। जलनगाम के हाईवे से एक रोड जो मलिकपुरा टू हर मलिकपुरा PMGSY ने 2011 में बनाया। 2011 में जब इस रोड को बनाने में PMGSY ने काम स्टार्ट किया तो उस काम के दौरान इस सड़क में बहुत सारे ऐसे दरख्त आए जो अभी भी इस सड़क में ही है। लोगों के इल्ज़ाम यहाँ पे ये है कि कहीं पे कुछ दरख्त जो सड़क से दूर थे उन दरख्तों के पैसे तो उन लोगों को मिले हैं। लोगों के सीधे इल्ज़ाम PMGSY पे है कि वहाँ पे करप्शन हुई है, मगर जब हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं तो ग्राउंड लेवल पर इस सड़क में जो पेड़ अभी भी है जिनको आप वॉलनट ट्रीज़ भी कह सकते हैं, ये वॉलनट ट्रीज़ अगर इस रोड में आई तो क्यों इन गरीब लोगों को इन वॉलनट ट्रीज़ के पैसे नहीं मिले गए? अगर ज़मीन का मुआवजा तो दिया गया था, क्यों इस गरीब का मकान इस सड़क की जद में आया, क्यों इसको मुआवजा नहीं दिया गया? एक सवालिया निशान यह है कि फिर एक ग्रीवेंस के तहत एक रिपोर्ट इनको मिली है कि इस रोड को हमने ऑफिशियली अगर हम कहें फाइनेंशियली और फिज़िकली हमने इसको 2012 में कंप्लीट कर दिया, मगर 2012 से 2019 तक इस रोड से कटिंग डाउन सर्टिफिकेट दरख्तों को मिल रही है, मगर और कुछ मकान भी सड़क में आ रहे हैं उनको भी डिमोलिशन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट के थ्रू मिल रही है, मगर यहाँ के लोगों के इल्ज़ाम यह है कि वो कटिंग डाउन सर्टिफिकेट्स उन लोगों को दी जा रही है जो असल रसूखदार है, जिनकी पॉलिटिकल पहुंच है, और यहाँ का गरीब आवाम कम से कम 10 सालों से PMGSY के दफातर के चक्कर काटते काटते जिनके जूते भी घिस गए, और इनका साफ ही कहना है कि बारिश होती थी, बर्फ़ होती थी, गर्मी की तपिश होती थी, तब भी हम दफातर में जाते थे मगर हमारी किसी ने कुछ न सुनी। मसला ये है कि ये 2011 में PMGSY की तरफ से रोड गया हुआ है और जो एज़ पर एस्टिमेट तब था 1 करोड़ कुछ लैक था, तो फिर बाद में क्या हुआ कि जो यहाँ पे मतलब ज़मीन इसमें आई है, ज़मीन की मतलब जो मतलब पैसे इनको है वो दिया गया इनका। बाद में जो इनकी कंस्ट्रक्शन यानी कि मकान और कुछ मतलब वॉलनट ट्रीज आए इसमें तो उनके पैसे इन्होंने दिया ही नहीं इनको। इनको मतलब ये जब दफ्तर पे गए डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे कि हमें कटिंग सर्टिफिकेट चाहिए, हमें डिमोलिशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर उनने मतलब कल परसों ऐसे करके 7 साल निकाले। तो फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में मतलब वहाँ पे जब हम गए वहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि 2012 में वो दिखा रहे हैं कि ऑफिशियली भी और फिज़िकली भी उनने क्लोज़ किया है। हमारा मकसद यही है कि अगर मतलब उनने 2012 में मतलब क्लोज़ किया है तो हमें ये बताया कि 2019 में उन्होंने डिमोलिशन सर्टिफिकेट कैसे इशू किए, 2019 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में इन्होंने कैसे पैसे डाले उनके अकाउंट में। इसका मतलब तो साफ जाहिर ये होता है कि मतलब उन्होंने मतलब करप्शन किया है, उन्होंने पैसे लिए हैं और पैसों की वजह पे उन्होंने मतलब उनका डिमोलिशन सर्टिफिकेट दे दिया है। अभी आप जो ये मकान आप देख रहे हो पूरे मकान क्रेकिंग में हुआ है, यहाँ से जो भी गाड़ी मतलब गुजर जाती है वो मतलब ये मकान पूरा हिल रहा है। इसकी डिमोलिशन सर्टिफिकेट इन्होंने क्यों नहीं दिया है? इसलिए मतलब इन्होंने मतलब ये पहले बहुत सारे दफ्तरों पे गए हैं तो वहाँ पे इनको कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला है, तो फिर इन्होंने हमारे पास एक एप्लीकेशन रिटर्न एप्लीकेशन दे दिया है। मैं ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन फॉर्म एचक्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग हूँ, तो फिर मैंने इसमें देखा ग्राउंड लेवल पे आके मैंने देखा, मैं वहाँ पे गया AEE से मिला, DC मिला, तो उनको मैंने बता दिया कि मतलब ये आप बताइए कि मतलब ये मसला क्या है, तो वहाँ पे AEE ने क्लियर बोला है कि मतलब आप इसमें कोर्ट अटेंड करो। अगर हम कोर्ट अटेंड करेंगे, अगर कोर्ट में मतलब वो पैसे देंगे तो कोर्ट के बगैर वो इन गरीबों को क्यों घसीट लेते हैं वहाँ पे, क्यों परेशान कर रहे हैं गरीबों को? और यहाँ पे कम से कम 22 घर इसमें आए हैं, इस जात में 22 घर आए हैं और 22 घर में 4 घर वालों को कैसे पैसे मिले तो बाकी को पैसे क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि इनके इल्ज़ाम है। हाँ बिल्कुल इनकी इल्ज़ाम है, क्लियर इल्ज़ाम है कि मतलब करप्शन का इल्ज़ाम है कि उनने पैसे खाए है, तो फिर मतलब इन्होंने कुछ मकानों को मतलब डिमोलिशन सर्टिफिकेट भी दे दिए और उनको पैसे भी अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। कुछ दरख्त दूर है उनको कट डाउन सर्टिफिकेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे अभी मतलब दरख्त ऐसे है मतलब वॉलनट के ट्रीज है मतलब जो रोड में है उनके कटिंग सर्टिफिकेट वो नहीं दे रहे हैं, जो मतलब रोड के आउटसाइड में थे जिनने पैसे दे दिए और अप्रोच दिखा दिया, जिन्होंने अप्रोच दिखा दिया पैसा दे दिया उसकी कटिंग सर्टिफिकेट आराम से मिल गई और उनको पैसे मिले आराम से।
तो हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि मतलब इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जनाब रोड बनो दस कह बहस मैं मुआवजा दुख ना मुआवजे दिखा असल रसूख सड़क नबर त दह फुट पंदा फुट कुल तम दिख पोस सड़क मंज आम वो तन पकान वंदस त रूदस तबस तशस तापस त मगर तमो त्रवे ना पोस कल दुख पगह सुबह दुख कल सुबह दुख कल कल दुख सुबह ना वन यह सो दल तुम बुजर्ग त्रव सुबह दिन त्रव मगर त्रोक नी कह स पीर हिलुक तम हत मान तम जे वी तम तुम अद आज क्या पगह कि अक दह दगह यमो मे कोर जार पार मे मगज यु फोटो तो यम दुपन सा पगह तन आव अल कुल नोर ओर वह पांच पांच वह अस गुजार पकान तथ पे तम हो कुल तम पे पसर अस पे पस सड़क दूर सड़क दूर दुख दहन बहन कुल दुख तम सड़क नबर तम सड़क नबर तम सड़क मह तम नी कह गुजर डी सी ना ये वह जनाब पे करो नजर सही अव पे वो बाक तम दज क्या पगह क्या आज दपन अस रोड कर्म क्लियर अच्छा तुम कह कुल तुम दफ्तर चक्कर ना जिस तुवह पे वो पकान चौदह पे गरीब तम दुख नीबेर तम द अशन दिखते कौत लागो तक पोस अस मकान तड़क मंज कहें ना अस दुख ना ये यमन वो ती वो अज पगह आज पगह और कहें तन गई दह बह वरी गई बे कौत गो अद क्या करो गरीब कतो यी पोस किराय दोह पको गरीब अड पलन तो कत लागो अत डन कुलिस योड़ पोस तो अद त्रवन ओर अस हाजत ओर त्रवतन क्या कोरुक ये सोन नुकसान अद क्या गो तम हुखमित तम सड़क मज वो हुखित अस मा खे बलन गोल अहमद नाव तो अस वो ये सड़क गई मलिक पोरा टू हर मलिक पोरा रोड पी एम जी एस वाई के जरिए मगर रोड बनो यहाँ आव मैकडम त्राव तो बंद कह रूद इनकम्प्लीट बे रूद यहाँ रोड वाइडिंग मज आए डन कुल वालनट ट्रीज तो तम तोर नुनस तम मुआवजा कहें अस कोर वारा फिर रिक्वेस्ट डिपार्टमेंटस ती डी सी सबस ती मगर वुनिस तम आव न सोन कहें बोज यह कानवाई सपदे नम डन कुल फसल वसान इम कहें वन वसान तो रोड वाइडिंग मज लंग पे ये तो रोड वाइडिंग मज आई यम मगर इम गई खस्ता हाल वुनिस तम चुनाज वुनिस तम तरान कहें लिहाजा कैचन नफरन तोर मगर कह रूद बकाया वारिया रूद बकाया तो तम तोर मुआवजे वुनिस तह क्या कोशिश डिपार्टमेंटस मज ग खात और तमो वो कट सर्टिफिकेट सो दीस वक्त यूत टाइम गो लिहाजा अल्तजा कर डिपार्टमेंटस कि अस ग मसला हल ग और अस ग रोड वाइडिंग मज कुल आए तम मुआवजे गोस जल्द अज जल्द तर चूंकि कुल त गई खस्त तो तम तड़े तो तम त पे पसर लिहाजा चुस कर कि बे बंड या ड्रेनज तो तम त मुकम्मल गम इनकम्प्लीट वुनिस तम वारिया रोजम तो तक डिपार्टमेंटस त खास कर गवर्नमेंटस इल्तिजा कर कि यह गोस कम्प्लीट और मुआवजे गोस फौरन तर मे ना बिलाल अहमद मलिक सना हबीबुल्ला मलिक तो बहुत जलंगाम रोजान अस गई पतम लग भग पाँच शे वरी ये पी एम जी दफ्तर गसान अम कुल ग यथ रोड वाइडिंग मज यथ मज आई स्ट्रक्चर ते आई यथ मज कह तो यमो बनो कम्पनसेशन बनो यमो फाइल बने कम्प्लीट अख बने स्ट्रक्चरन पाँच स्ट्रक्चर बेहत मन कह वालनट ट्रीज तम त बने यह कम्पनसेशन मिलो तम बनो फाइल बने कम्प्लीट पे लैंड लैंडस रो यमो कम्पनसेशन वो यथ मज मकान पाँच तो बेहन यथ मज वालनट ट्रीज तम त्रो स्ट्रक्चर से तमो मज त्रो चोर त्रो स्ट्रक्चर त्रो यह अर्दहस तक
اردہس تان دمو ڈمالیشن سرٹیفکیٹ ترا تو ترائک اس تہس یتس ون یت گونیک مکان یون یس زن بالکل روڈس پیٹھ یہ مے پن مکان بہس گوس مے حس کور فالو یت لگ بھگ شے وری ہت گو مے فالو کران سرسی فائلی ہوئس تی تو ہوئس تی یمو حس ون مے ڈپارٹمنٹن پرت سات دوپک اس چھ ترومت چین سٹرکچرس نسا ویت نوی پونس کی میوک نہ حس یل ہند سٹرکچرس تو ترو پونس تم ڈمالیشن کر سرٹیفکیٹ تی دس وک پانس ترائی وق تھی مگر مین سٹرکچرس کیا تروو نا دوپک چین سٹرکچرس نہ حس ویت وی پونس کی من ون مے یور جواب مے دوپ یمن بار بار مے دوپک یہ آسان ہیڈ کنوی ہیڈس واتن اکس پونس مگر یمو نہ حس مون تی کی دوپک چینس یہ پگہ کل کت پت حس گئی اس یت کل آئی لگ بھگ یت مز کل ہت یت مز کلین مز تہ ترائی یمن ورن گرن اصل رسوک ول لکھ تم ترو یمن یمو پونس مگر اس حس گھن بار بار اس ترائی تو یمن کلین تہ ترائی تو یم کیا حس تھی وچن یم کل سلم ہوکمت ختم گمت کل مگر یم اصل رسوک ول لکھ اس تم ترو یمو تمو نی پونس تہ سلم کیا نوک مگر اس نس ترو کی یم سات نوک دوپک یمن کلین معاوضہ تو دیکھ اس آئے ہارٹیکلچر وی تمو دیت لسٹ باضابطہ یمن تو دیت پی ایم جی والو تہ دوپک یمن نیرن پونس ات مز گئی کام یمو دیت اپروچ والن ترائک پونس تو باقین ترائکھے نہیں یمن ٹٹک مول وول یم ہوک ساری کل اکس نن وان اس نا دیکھ کی اس گئی اٹھ وری یمن پت پت پکان کال ڈیس صبح کتا یون تور پھر پھر ہے پگہ سوزو کل کیا سوزو سرٹیفکیٹ دکھ نا کھین تہ تو وی گپان ہے آو لوٹ کریئر یہ سا گوم روڈ تو اس انو وی پونس وونس سن زمین تو کل سمن قبضس ونکن اس کیا دینا پگہ کلس کن یہ ڈوزر سنس کر ہت کٹ دپ ہے تھی پونس نمت زمین سن گزارش اس وات عید وری پت پت پھارن اس گھس معاوضہ ترن کلین ہند معاوضہ ترن بی تم تہ مولی تم تی وچ تھی پان تہ وچن یہ کچھ مجید ہند کل گھر والن ہند کل یمن وی اڑ وال وی پانے لنگ پتھر کی گئی زخمی ون طاقت دفتر گھن گا پھٹ اس زنگ تہ بوٹ تہ چھن اس تقریباً یم حاج صبن تو مے کر مے ترہت چرخ پیٹھ پیٹھ گئی اس گڑا پی ایم جی دفتر گڑا کوتان دفتر گڑا ڈی سی یس نش یمن اس اپروٹ اپروٹ والن ترائک پونس تمو نی پونس اس تی یہ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کی طرف توجہ دے تاکہ یہ غریب عوام جو کہ 10 سالوں سے سفر کر رہا ہے اگرچہ یہ دفاتر پہ جا رہے ہیں دفاتر میں ان کو کہا جاتا ہے کہ آج نہیں تو کل آپ کے پیسے دیے جائیں گے اگرچہ اس روڈ کے پیسے ختم ہو گئے ہوں گے تو کیوں ان کو اس غلط فہمی میں رکھا جاتا ہے کہ آج نہیں تو کل آپ کو پیسے ملیں گے اعلیٰ حکام سے گزارش ہے اس مسئلے کی طرف جلد از جلد توجہ دے تاکہ یہاں کے غریب عوام کو تھوڑی بہت راحت ملے راتھر ہلال کے ساتھ میں شانت شاہد نیوز انسائیڈر کوکرناگ زلنگام